हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम टू टेक्निकल सखर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आपको सैंपल वीडियो में देखने को मिल रही है। इस तरह की हम वीडियो एडिट करने गए काइन मास्टर के अंदर। सो अगर आप इस तरह की वीडियो एडिट करना चाहते हैं अपने फ़ोटो पे या किसी के भी फ़ोटो पे, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपने वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेंगे तो भाई इस तरह की वीडियो आप कभी भी नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ उन की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो इंस्टाग्राम पे भी काइंडली फॉलो कर लें। तो अब चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले काइन मास्टर को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहां से 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करके ऊपर नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद अपनी गैलरी में जाकर यहां से इमेज असिस्ट पे जाकर व्हाइट इमेज को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, व्हाइट इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा के फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, यहाँ से आपने फर्स्ट पोजिशन पर आके लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने चले जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद भाई यहां से अपनी मॉडल का फोटो सिलेक्ट करना है या किसी का भी फोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फोटो की टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। देन उसके बाद इसकी जो साइज है इसे आपने मैनेज करना है। वो कैसे, फोटो पे क्लिक करके साइज को यहां से इस तरीके से बढ़ा देना जैसा मैं अपने फोटो को बढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर आपने इसे इस साइड में ऐड करना है। उसके बाद ओके कर देना है। देन उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट पोजिशन पे। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहां पे इफेक्ट का। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपने बस क्लिक कर देना है। इफेक्ट पे क्लिक करके यहां से लाइनर मास्क वाला इफेक्ट आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। कैसे डाउनलोड करना है, इस स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से आपने ऊपर सर्च करना है लाइनर मास्क। लाइनर मास्क जैसे सर्च करेंगे तो उस इफेक्ट को आपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहां पर मैं इसे ऐड कर लेता हूं। ये लाइनर मास्क वाला इफेक्ट मैंने यहां पर ऐड कर लिया है। उसके बाद बैक कर लेता हूं। बैक करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद भाई यहां से इसके एंगल को चेंज करना है इस तरीके से। ठीक है, एंगल को चेंज करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ठीक है, यहां से स्क्रॉल करेंगे तो बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद व्हाइट कलर को आपने यहां पर भी सिलेक्ट कर देना है। व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके इसकी साइज को इस तरह से बढ़ा देना है, तो मैं इसकी साइज को भी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से इसे जो है ऊपर आपको फीदर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फीदर का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस फीदर को आपने इस तरह से बढ़ा देना है। ठीक है, फीदर को आपने इस तरह से बढ़ा देना है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे जो है बैक कर लेना है। बैक करने के बाद अब इसी जो फीदर वाले यानी कि इमेज पे क्लिक करके लाइनर मास्क पे और इसे यहाँ पे इस तरीके से आपने ड्रैग कर देना। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद भाई यहाँ से आपने आ जाना है फर्स्ट पोजिशन पे। फर्स्ट पोजिशन पे आने के बाद भाई यहाँ से आपने आ जाना है, यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से अपनी गैलरी में जाकर एक व्हाइट स्क्रीन लेरिकल वीडियो को ऐड कर लेना है। इस व्हाइट स्क्रीन लेरिकल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने इसे यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने इसकी साइज को अच्छे तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर आपने बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर ऐड करना इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद नीचे आना, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ से मल्टीप्ले पे क्लिक कर दें। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद भाई यहाँ से आपने आ जाना है फर्स्ट पोजिशन पे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजिशन पे आने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे अगेन क्लिक कर देना है। उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से एक पीएनजी सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे हार्ट बीट वाला पीएनजी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के दे दी है। ठीक है, उसके बाद इसे ऐड करना। ऐड करने के बाद इस पीएनजी को यहाँ से लिरिक्स के ऊपर लगा देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे इस तरह से यहाँ पर लगा देता हूँ। आप अपने जो लिरिक्स हैं उनके ऊपर आपने इसे हार्ट पीएनजी को ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है और यहाँ से आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे। लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आपको ये वाला पीएनजी आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये कपल पीएनजी है ब्लैक इफेक्ट में। ठीक है, इसे आपने ऐड करके यहाँ पर इसे नीचे लगा देना है। इसकी साइज को मैं कम कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे नीचे ऐड कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। देन उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है।
ओके करने के बाद यहाँ से आपने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से आपने एक फ्लावर पीएनजी भी ऐड कर लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस रोज़ को ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा आप नीचे इसकी साइज़ को भी कम कर दें, उसके बाद इसे यहाँ पर इस तरीके से रोटेट कर दें, ठीक है। ये देखिए मैंने रोटेट कर दिया, उसके बाद नीचे यहाँ पर इस कॉर्नर के अंदर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे एडजस्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद फर्स्ट पोजिशन पर अगेन आ जाना है। उसके बाद आपने चले जाना है भाई यहाँ पर, मैं इसके वॉल्यूम को ऑफ करके थोड़ा सा प्ले करके देख लेता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब आपने फर्स्ट पोजिशन पर आके लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करके यहां से एक बॉर्डर पीएनजी को भी ऐड कर लेना है। सो यहां पर मैंने बॉर्डर पीएनजी को भी ऐड कर लेता हूं भाई। यहां पर इस तरीके से आपने अपना बॉर्डर पीएनजी ऐड करना है। सो देख सकते हैं यहां पर मैं इस बॉर्डर पीएनजी को, सॉरी आपने पहले टेम्पलेट वीडियो ऐड करना है, ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम बॉर्डर पीएनजी को ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लिया है। टेम्पलेट वीडियो को ऐड करने के बाद यहां से आपने इसके वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां से इसके वॉल्यूम को बंद करके नीचे आना है। नीचे आपको यहां पर अगेन ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपने यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके करके यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर ये वीडियो देखने को मिलेगी। ये देखिए, ठीक है। सो यहाँ पर अब फाइनल आपने क्या करना है, यहाँ से लिरिकल वीडियो को, सॉरी पीएनजी को ऐड करना है, बॉर्डर पीएनजी को, ठीक है। अब मैं बॉर्डर पीएनजी को भी ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपने अपना बॉर्डर पीएनजी भी ऐड कर लेना है, ठीक है। ये देखें बॉर्डर पीएनजी यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद इस पर क्लिक करके इसकी साइज़ को और इसकी टाइमलाइन को आपने बिल्कुल एडजस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से फिट टू फुल स्क्रीन पर क्लिक करके ओके कर दे, ठीक है। अब हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऊपर एरो पर क्लिक करके वीडियो को आपने सेव कर लेना है। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दे और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।